Hello everyone. My name is Mohit Gupta, and I welcome you to my YouTube channel, Cam Fundamentals. In today's video, we are going to discuss a new topic that is guesses state. This is part one of the series, and rest of the part would be updated soon. And one more important thing, the link of PDF is available in the description box, so go and download from there. So without further delay, let's get started. सो so, ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स और आज हम लोग देखते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है सो so, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट आफ्टर दैट बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ 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 एंड सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज से सो जनरल प्रॉपर्टीज गैसेज स्टेट की क्या क्या होती है सबसे पहले गैसेज स्टेट है क्या गैसेज स्टेट एक स्टेट ऑफ मैटर है वी वी नो हैव फाइव स्टेट स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आउट ऑफ विच गैसे स्टेट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इसकी खासियत क्या है कि इसके पास लो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होती हैं मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बहुत ज्यादा कम होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होता है अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सारे कैरेक्टर्स गैसे स्टेट के डेवलप कर पाते हैं तो क्या क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप और वॉल्यूम सिर्फ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो इनकी कोई डेफिनेट शेप या कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होते हैं जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे वो उसकी शेप और उसकी वॉल्यूम ले लेगा द नेक्स्ट इज डेंसिटी डेंसिटी ऑब्वियसली बहुत कम होती है क्योंकि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम कम मास में अगर गैस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा कम हो गया ओके okay? सो so, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड लेकिन फिर भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा द नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी सिंस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर लगाने पे वो कंप्रेस बहुत आराम से हो जाती है जिसकी वजह से इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है डिफ्यूजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं तो दो गैसेस को मैं अलग अलग लूंगा

सिंस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चारों डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगा पाते हैं अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग गैस को क्या कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं सबसे पहले अमाउंट ऑफ गैस तो अमाउंट ऑफ गैस हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इनके ग्राम में कि कितने ग्राम गैस है या कितने मोल्स गैस है तो मोल्स निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मुला क्या है मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द गैस तो अगर हमें पता है कि कौन सी गैस है तो उसका मोल हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं अगर मुझे उसका मास ऑलरेडी पता हो और मास कैसे निकालेंगे एक एम कंटेनर लो फिर उसके अंदर गैस भर दो और फिर उसका वेट निकालो और दोनों को माइनस कर दो सो so, इतने आराम से हम लोग उसका मास निकाल सकते हैं और अगर मुझे पता है कि गैस कौन सी है तो मैं आराम से उसके मोल्स भी निकाल सकता हूँ दे नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ गैस अब वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग जनरली मेजर कर सकते हैं लीटर में एक लीटर गैस है दो लीटर गैस है या फिर मीटर क्यूब में अब ये जो लीटर और मीटर क्यूब है बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम ठीक है तो छोटे केसेस के लिए हम लोग एम एल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ये सारी यूनिट करते हैं लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वन मीटर इज इक्वस टू टेन डेसी मीटर एंड विच इज इक्व टू हंड्रेड सेंटीमीटर अगर ये पता है तो आप आराम से एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होना चाहिए याद रहेंगी तो आप किसी भी दूसरे यूनिट में आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं सो so, जैसे वन लीटर इज इक्व टू वन डेसीमीटर क्यूब अगर मीटर क्यूब में निकालना है तो डेसीमी मुझे पता है कि टेन है तो टेन एस माइनस वन आएगा और उसका क्यूब कितना हो जाएगा टेन एक्सप्रो माइनस थ्री टेन हंड्रेड सेंटीमीटर तो वन डेसीमीटर के इसके इक्वल हो जाएगा टेन सेंटीमीटर के तो डेसीमीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा टेन सेंटीमीटर और उसका क्यूब कितना हो जाएगा टेन एक्सपा थ्री सेंटीमीटर सिमिलरली वन मीटर क्यूब है तो कितना डेसीमीटर क्यूब है ये टेन है तो इसका मैंने क्यूब किया तो इसका क्यूब हो जाएगा टेन एक्स रुपये थ्री और इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो थ्री टू पास सिक्स टेन एक्सपा सिक्स सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बहुत सिंपल है करके देखना बहुत आराम से आ जाएगा और ये चीजें याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उन सब में यूनिट एक्सचेंज हो जाएंगे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा होगा आंसर किसी और में पूछा होगा और वहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि वो चेंज ही नहीं कर पाते तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और इसको करके भी देखना है द नेक्स्ट इज प्रेशर तो गैस का प्रेशर हम लोग बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं बैरोमीटर से एटमोसफेयर प्रेशर करते हैं मैनोमीटर से हम लोग गैस का प्रेशर बहुत आराम से मेजर कर पाते हैं लेकिन मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट हैं जैसे ए बार एम एम ऑफ एच जी पासकल एक्सेट्रा तो आपको क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा और आपको उसको आना चाहिए कि कैसे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो ए को कैसे बाहर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाहर को कैसे एम एम ऑफ एच में कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे दे ही रखा है मैंने वन ए टी एम इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी तो वन ए टी एम किसके इक्वल होता है सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेवेंटी सिक्स आ जाएगा और वन ए टी एम इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी टॉर टॉर जनरली आजकल यूज नहीं होता है फिर भी कुछ क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ए टी एम और बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है

1 ATM is equal to 1 बहुत आसान है. दो बार लिखोगे आराम से याद हो जाएगा और वन बार कितने जीरो पॉइंट ये याद करना बहुत आसान है 987, continuous decrease हो रहा है मीटर स्क्वायर एंड विच इज इक्वन के जी पर मीटर पर सेकेंड ये इसकी डायमेंशन है मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा द नेक्स्ट इज वन ए टी एम इज इक्वल टू वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल दिख रहा है सारी की सारी वैल्यूज आ गई होता है क्या है कि वन बार किसके इक्वल होता है हैं टेनवा फाइव पासकल के इक्वल होता है तो बार की जगह अगर आप पासकल करोगे तो टेन एस फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी की सारी डिजिट्स यहीं आ जाती हैं सो वन ए टी एम इज इक्वल टू वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासक सो नेक्स्ट इज़ वी यूज़ बैरोमीटर टू मेजर एटमोसफेरिक प्रेशर एटमोसफेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज़ करते हैं कैसा होता है हम लोगों ने पहले भी देख रखा है इसमें एक हम लोग ग्लास कंटेनर लेते हैं उसके अंदर मरकरी लिया उसके ऊपर एक कॉलम लटका दिया तो एटमोसफेयर यहाँ पे प्रेशर जिसकी वजह से एच जी का जो हाइट है वो बढ़ता जाएगा कॉलम के अंदर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और वहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन ए है उस पॉइंट पे जो मरकरी की हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है सेवन सिक्सटी एम ऑफ एच होगा तभी हम लोग एच यूज करते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होती है प्रेशर कितना रहेगा वन ए और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए जीरो डिग्री सेल्सियस या टू सेवेंटी ओके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसलिए हम लोग थर्मोमीटर में भी मरकरी यूज़ करते हैं तो अगर टेम्परेचर का ज़रा सा भी डिफरेंस आएगा हाइट बहुत जल्दी ऊपर नीचे आ जाएगी देखा होगा थर्मोमीटर में हाइट कितनी जल्दी बढ़ जाती है एक डिग्री या पॉइंट वन डिग्री भी डिफरेंस आता है तो टेम्परेचर स्ट्रिक्टली जीरो डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अगर प्रेशर वन ए है तो हाइट कितनी आनी चाहिए सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर या सेवन सिक्सटी एम सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम लोग इस केस में मरकरी क्यों यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया मरकरी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है थोड़े से भी टेम्परेचर डिफ्लेक्शन में हाइट का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो फिर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं तो यूज़ करने के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मरकरी इज यूज एज इट हैज़ हाई डेंसिटी हमें पता है मेटल है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ऊपर से हाइट ऑफ द कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम हाइट होगी तो अगर मैं कोई नॉर्मल लिक्विड ले लेता हूँ जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी हाइट क्या चली जाएगी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगी सो so, कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने मरकरी यूज़ किया है क्योंकि इसके लिए हम लोग बड़े बड़े कॉलम यूज़ करने नहीं पड़ते हैं तो नेक्स्ट इज ये साथ में नॉन वॉलेटाइल होता है रूम टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि ये वैपरेट नहीं होगा बहुत आराम से वेपरेट हो जाता है लेकिन हाई टेम्परेचर पे होता है और रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल होता है कोई वेपर प्रेशर इसका नहीं होता जिसकी वजह से गैसे स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं होगा और इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा मतलब मास इसका कॉन्स्टेंट रहेगा रूम टेम्परेचर में द नेक्स्ट इज हम लोग निकालना चाहेंगे कि प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते तो मैंने ये लिया और मुझे नहीं पता कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको मैं जानने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा वो मुझे अब निकालना है तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू होता है तो यहाँ पे कौन सा एक्सिलोर होता है एक्सिलोशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी देखते हैं लेकिन इस कॉलम में कितना मास है ये हम लोग को नहीं पता तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मुला यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी हमें आराम से निकल जाती है मरकरी की कैसे निकलेगी हम लोग कोई भी इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी बुक में देख जहाँ पे मरकरी की डेंसिटी दे रखी होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स तो नेक्स्ट इज मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द मास तो इस फॉर्मले से मैं निकाल सकता हूँ तो डेंसिटी पता चल गई वॉल्यूम अब मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम कॉलम का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट पता है ये हाइट है एच ले लेते हैं हाइट एंड ए मैंने ले लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा उसका एरिया इंटू हाइट एरिया को ए ले लिया तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी वेरी ऑब्वियस एंड हाइट ये क्या होगी सेंटीमीटर होगी तो मल्टीप्लाई करिए ए एच सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा सो मास इज इन टू वॉल्यूम तो इनका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो रो ए एच ग्राम मास की यूनिट क्या होगी ग्राम होगा ये ग्रेविटी नहीं है ग्राम है ये अलग है सो डेंसिटी मैंने रो ले लिया है यहाँ पे वॉल्यूम इज एच सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब कट गया क्या बचा सिर्फ ग्राम सो मास कितना आएगा रो ए एच ग्राम अब फोर्स के लिए क्या करेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मैंने उसके साथ ग्रेविटी उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब प्रेशर हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है फोर्स की हम लोगों को वैल्यू निकल गई और उसको क्या करेंगे एरिया से डिवाइड करेंगे तो रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए ए से ए कट जाएगा तो रो जी एच बच जाएगा तो प्रेशर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रो जी एच से निकाल सकते हैं वेयर रो इज़ द डेंसिटी हमें मरकरी की डेंसिटी पता है ग्रेविटी हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है ना? और हाइट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटमोसफेयर का इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है सो so, यहाँ पे फोर्स की यूनिट होती है ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड प्रेशर की कितनी बच जाएगी ग्राम पर मीटर पर सेकेंड तो कट गया की क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच की सेंटीमीटर या मीटर में ले सकते हैं तो उसके बेसिस पे ये यूनिट्स हम लोग को बहुत आराम से मिल जाएंगे सो so, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर तो ये क्या होता है ये प्रेशर एग्जर्ट होता है मरकरी कॉलम की वजह से कब होगा जब एग्जैक्टली सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर होगा टेम्परेचर कितना होना चाहिए जीरो डिग्री सेल्सियस और सी लेवल पे होना चाहिए तो उस पॉइंट पर प्रेशर आता है वो वन एटीएम आता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर बाकी गैसेस के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज नहीं कर सकते तो हमें मैनोमीटर यूज करना पड़ता है और मैनोमीटर यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं एक क्लोज लिम्ब होता है और एक ओपन लिम्ब होता है नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ़ गैस तो टेम्परेचर ऑफ गैस हम लोग कैलविन या सेल्सियस स्केल पे किसी पे भी मेजर कर सकते हैं चेंज कैसे करेंगे कैलविन टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव हम लोग को ऑलरेडी पता है और नेक्स्ट इज़ थर्मोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग निकालने के लिए कितना टेम्परेचर है और थर्मोमीटर में भी हम लोग मरकरी ही यूज़ करते हैं तो देख लीजिए मरकरी के कितने सारे यूज़ है अब थर्मोमीटर में मरकरी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो मरकरी बिंग लिक्विड तो ये क्लासेस स्टिक नहीं होगी चिपकेगी नहीं दूसरा केस है कि इसका हाई एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है टेम्परेचर पर और ये एक्सपैंड बहुत आराम से कर सकते हैं सफिशेंटली एक्सपैंड करती है कि हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकें कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है द नेक्स्ट इज़ बॉल्स लॉ सो बॉय स्लॉ वॉज बाय रॉबर्ट्स बॉयल इन सिक्सटी सिक्सटी टू सो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसके बेसिस पे इन्होंने बताया था कि प्रेशर कैसे वॉल्यूम से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू of द given ऑफ अ गिवन gas जो वॉल्यूम होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके प्रेशर के लेकिन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इनके बीच में कोई प्रॉपर कोरिलेशन नहीं आता तो हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है सो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के बाद वॉल्यूम और प्रेशर में एक को आता है कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर या जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी कम वॉल्यूम सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दी और इसकी जगह पे इक्वल टू साइन हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको करने के लिए हमें के लगाना पड़ेगा सो वी पी इज इक्व टू कॉन्स्टेंट पी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आ गया के क्या है constant. तो यहां से हमें फॉर्मुला क्या मिल गया वीपी क्या होता है constant होता है अब मैं एक टेम्परेचर टी वन पे लेता हूँ क्योंकि वैल्यू सेम ही रहेगी कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर टू पे पी टू वी टू इज इक्वस टू के अब यहाँ पे दोनों केस सेम ही है तो पी वन वी वन के इक्वल है पी टू वी टू के इक्वल है इसका मतलब क्या है पी वन वी वन किसके इक्वल हो गए पी टू वी के ये दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे के से के डिवाइड हो जाएगा वन आ जाएगा पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं तो प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय सो उस केस में हम लोग निकालते हैं आइसोथर्म आइसोथर्म क्या होता है एक ग्राफ जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी बनाया जाता है उसे आइसोथर्म बोलते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने प्रेशर ले लिया और राइट हैंड साइड पे मैंने वन बाई ले लिया सिंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो कि जीरो से पास हो गया सो द नेक्स्ट इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेम ही फॉर्मूला है लेकिन अब हम लोग पी का प्लॉट बना रहे हैं वी के साथ तो इसके साथ जब हम लोग करते हैं तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है जिसका मतलब है जब वी की वैल्यू बहुत कम है तो पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और जब पी की वैल्यू बहुत कम है तो वी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ऐसा नहीं होगा कि ये सीधा जीरो पे आ जाएगा ये इसके आगे पैरेलल चलता है और यहाँ पे भी ये पैरेलल चलता है तो जब भी यूनिवर्सली प्रोपोशनल हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से आता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा दोनों ही कॉन्सेंट टेम्परेचर पे लिए हैं, मतलब दोनों ही आइसोथर्म है पी वी आइसोथर्म बोला जाता है इन्हें सो so नेक्स्ट हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे लेते हैं इसको हम लोग आइसोथर्म नहीं बोलेंगे कि इसमें बहुत सारे टेम्परेचर ले रखे हैं तो P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो P और वन बाई वी के हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी अलग अलग टेम्परेचर पे हमें ये ये मिलेंगे तो अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन लूँ जैसे ये वाला तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर क्या है अलग अलग सो पर्पल वाली लाइन का प्रेशर ज़्यादा है ग्रीन वाली लाइन का कम है और ऑरेंज वाली लाइन का प्रेशर कम है तो अगर मैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख लेता हूँ जिसका मतलब है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी आ जाएगी और वो कंटेनर को उतना ज़्यादा पुश करेंगे तो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा होता है जिसका मतलब क्या है कि इसका प्रेशर ज्यादा है इसका कम है इसका और भी कम हैन्स टी थ्री टेम्परेचर टी थ्री ज्यादा है देन देन नेक्स्ट लेते हैं सेम ग्राफ है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर तो मैं जैसे एक प्रेशर कॉन्सटेंट कर लेता हूँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर कॉन्सटेंट कर लिया एक लाइन अगर मैं यहाँ पे इमेजनरी लाइन खींचूंगा तो वॉल्यूम ऑफ ग्रीन लाइन कम है ऑरेंज लाइन की वॉल्यूम उससे ज्यादा है और T3 की वैल्यू क्या है और भी ज्यादा है मतलब पर्पल वाली लाइन की वैल्यू और भी ज्यादा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें पता है टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है जिसका क्लियरली मतलब है कि टी थ्री भी ज्यादा है देन टी टू देन टी वन दे नेक्स्ट इज पी वी और वी के बीच में लिया है तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पी और वी को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी के आएगी कोई भी कॉन्स्टेंट जैसे मैं ले, ले तो टू या थ्री तो अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है और इसमें क्या है T1 पे ये आ रही टी टू पे आर ए तो मैं प्रेशर इंक्रीज करता जाऊंगा वॉल्यूम डिक्रीज करती जाएगी और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा एक ही वैल्यू आएगी तो पी वी क्या रहेगा स्ट्रेट चलता जाएगा चाहे हम लोग प्रेशर कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज कर लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आएगा नाउ वी कम टू द सिग्निफिकेंस अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमें इससे ये पता चल रहा है कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के जिसका मतलब है प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा तो गैस कंप्रेस हो जाएगी हैंड्स इसका सिग्निफिकेंस यही है कि गैसेस गैसे कंप्रेसिबल गैसे गैसे होती हैं जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी गैस नाउ हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है कैसे हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वी यूनिट वॉल्यूम यह हम लोग को ऑलरेडी पता है मैंने यहाँ पे सिंबल ले लिया रोड डब्ल्यू वी मास का सिंबल डब्ल्यू है वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल वी है सो so, इसको रीअरेंज करने पे V इज इक्व टू डब्ल्यू बाई रो नाउ वी नो पी वी इज इक्व टू के तो v की वैल्यू मैं यहाँ पे आराम से सब्सिट्यूट कर सकता हूँ सो पी V की जगह पे मैंने w बाई रो को किया ये इसके आ गया पी डब्ल्यू इज इक्व टू रो के हो जाएगा ओके okay? और अगर मैं ले लूँ कि एक ग्राम गैस ले लिया या मैंने दो ग्राम ले लिया या एक किलो गैस ले लिया तो मास तो उस पॉइंट पे चेंज नहीं होगा तो एट कांस्टेंट मास जो ये लॉ है वो कॉन्स्टेंट मास पे ही होता है तो कॉन्स्टेंट मास पे W कॉन्स्टेंट है K कॉन्सटेंट जिसका मतलब क्या हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी जितना ज्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी गैस की इंक्रीज हो जाएगी नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीद हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊंची जगहों पे जाने पे हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है क्यों होती है क्योंकि क्यों ऊपर जाके प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है प्रेशर कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है डेंसिटी कम होगी मतलब थोड़े से वॉल्यूम में तुम्हारे आसपास जितनी गैस है उसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स होंगे और हमें चाहिए बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन के जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी सांस लेने में हमें और ज़्यादा गैस लेनी पड़ेगी तब जाके हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हो पाएगी नेक्स्ट इज अगर हम लोग बैलून को इन्फ्लेट करें मतलब उसको फुला दें उस पॉइंट पे प्रेशर भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है क्यों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉय स्लो एप्लीकेबल होता है एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस ओके जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था ग्राम्स में ले ली इतनी ग्राम्स गैस है तो ग्राम्स अगर, अगर अमाउंट कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तभी ये फॉलो करता है अदरवाइज ये फॉलो नहीं कर पाता है दूसरा चीज़ है कि जितना ज्यादा अगर मैटर हम लोग इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी और वो इंटरनल प्रेशर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज कर देगा सो ऑन इंक्रीजिंग द मैटर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस और उसके साथ में मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पर जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमाउंट को हमें हमेशा कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है सो नेक्स्ट वी मूव टू द चार्ल्स लॉ जैक्यूस चार्ल्स ने 1987 में एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसमें उसने इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन वॉल्यूम डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू हिम द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन कैलविन स्केल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। सबसे पहले गिवन मास ऑफ अ गैस मतलब मास हम लोगों ने कांस्टेंट ले रखा है एक ग्राम है तो एक ग्राम या एक मोल है तो एक मोल दूसरा चीज क्या है कि ये जो टेम्परेचर कैल्विन स्केल पे होना चाहिए डिग्री स्केल पे नहीं होना चाहिए एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रेशर भी कॉन्सेंट रहना चाहिए मास और प्रेशर कॉन्सेंट रहने चाहिए और टेम्परेचर से स्केल पे होना चाहिए कैलविन पे होना चाहिए तभी हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री स्केल पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से फॉलो नहीं करता है अभी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है सो ऑन डिग्री स्केल हम लोगों का फॉर्मूला आता है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टू सेवेंटी थ्री इंटू टी मतलब क्या है कि जो वी नॉट वॉल्यूम है एट जीरो डिग्री सेल्सियस उसके कंपैरिजन में वो टी टाइम्स इंक्रीज होता है वॉल्यूम सो वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस टी इज द टेम्परेचर एंड वी टी इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी अब मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ वी नॉट वन प्लस टी बाय टू सेवेंटी थ्री आ जाएगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे ये यह पता चल रहा है वी नॉट तो यही रह गया द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज ये वॉल्यूम वेरी करती है टेम्परेचर so, को वन डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो यहाँ पे वन बाई टू सेवेंटी थ्री आ गया इसका मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ अ गैस वन बाई टू सेवेंटी थ्री टाइम्स इंक्रीज कर जाती है The volume volume of of a gas increases or varies by 1 by 273 of its original volume at 0 degree वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्रीज और जो वॉल्यूम है उसका इनक्रीज होती चली जाती है, okay? 273 या 273 है जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुला बन गया तो इसको देखते हैं अगर मैंने टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस लिया तो मैं यहाँ पे वन वी नॉट बाई टी थ्री लिखूंगा अगर मैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 20 वी नॉट पर और अगर मैं माइनस टू ले लूँ तो उस पॉइंट पे वी नॉट माइनस टू सेवेंटी थ्री बाई टू सेवेंटी थ्री वी नॉट आ जाएगा वी नॉट से वी नॉट कटेगा और क्या आ जाएगा वैल्यू जीरो इसका मतलब क्या है माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितनी होती है जीरो जिसका मतलब है गैसेस एट -273 हैव जीरो वॉल्यूम दे डोंट एग्जिस्ट एट दिस टेंपरेचर वो इस टेंपरेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये एग्जिट नहीं आएगा एग्जिस्ट है तो रियलिटी में होता क्या है कि 273 अचीव करना बहुत मुश्किल होता है और इस टेंपरेचर पे सारी की सारी गैसेस चाहे हाइड्रोजन हीलियम हो वो सारी लिक्विफाई हो जाती हैं तो उस गैस, उस पॉइंट पे कोई भी गैस नहीं बचती है, सब सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं अगर मैं ग्राफ लूँ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर मैंने लिया तो ग्राफ ऐसे जाएगा फिर उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो वो माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या दिखाएगा जीरो इसका मतलब है ये एक एब्सोल्यूट ज़ीरो है मतलब क्या है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे सारी गैसेस की ज़ीरो वॉल्यूम होती है मतलब कोई भी गैस एग्जिस्ट इस पॉइंट पे नहीं करती है और मोर ओवर इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर इसको हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं अब हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं प्रेशर कांस्टेंट है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आई सौ बार नाव अलग अलग प्रेशर पे मैं अगर ये लूंगा लाइंस बनाऊंगा तो ये आएंगे और सारी की सारी लाइंस कहाँ पे मर्ज करेंगे 273 सेवेंटी थ्री इट डजेंट मैटर कि उनका स्लोप क्या है लेकिन वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मर्ज कर जाएंगी जीरो पे तो हर गैस लिक्विफाई हो चुकी होती है माइनस डिग्री सेल्सियस पे मतलब उसकी वॉल्यूम जीरो आएगी और अगर मैं कैलविन पे ले लूँ तो ये ग्राफ इधर खिसक जाएगा 273 से प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी और कैलवन स्केल पे ये एग्जैक्टली डायरेक्टली मूव कर रही है और सारी लाइंस क्या करती हैं जीरो से पास होती हैं इसलिए बोलते हैं कि अगर कैलविन स्केल लिया है तो वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर डिग्री सेल्सियस लिया है तो उसमें टू के एक फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होता है अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन के एंड डिग्री सेल्सियस हमें ऑलरेडी पता है के इज इक्वल्स टू टू सेवेंटी थ्री प्लस डिग्री सेल्सियस तो कोई भी मैं टेम्परेचर लेता हूँ वो टू सेवेंटी थ्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस होकर डिग्री सेल्सियस पर मैंने स्मॉल टी लिया है कैपिटल टी मैंने लिया है कैल्फिन स्केल पे सो so, ये फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है बस मैंने एल्सीयम ले लिया है यहाँ पर एल्सीियम लेने के बाद अगर मैं कैपिटल टी की वैल्यू सब्सिट्यूट करूँगा विच इज इक्वल्स टू टू सेवेंटी थ्री प्लस टी तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा ये आ गया यहाँ पे पता चल रहा है टू सेवेंटी थ्री कॉन्स्टेंट है भी क्या है constant है नॉट क्या वॉल्यूम एट डिग्री सेल्सियस तो वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उतना तो ही रहेगा जिससे हमें पता चल रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी टेम्परेचर ओके तो V इज इक्वल टू के टी लिख सकते हैं अब इसकी वेरिएशन लिख सकते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से V को T से डिवाइड कर दें तो K आ जाएगा वो भी कॉन्स्टेंट है टू डिफरेंट टेम्परेचर पे लेंगे और इन दोनों को एक डिवाइड करेंगे तो हमें वी वन बायस टू टी वन टी टू होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी टू तो ये अलग अलग डिफरेंट रिलेशन हैं एक अगर आपको आता है तो बाकी सारे आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं सो so ये तभी वैलिड है जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो और अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही हो वो भी कॉन्स्टेंट हो द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस तो अब इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस है कि हीट करने पे गैस एक्सपेंड होती है और अगर वो एक्सपेंड करेगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी इसका एप्लीकेशन क्या है कि हॉट एयर हमेशा लाइट होती है एयर जिससे हम लोग हॉट एयर बेलून्स बना सकते हैं और हॉट एयर बेलून्स बहुत सारे कामों में यूज होता है द नेक्स्ट इज गेलोसैक लॉ ये जो लॉ है वो जनरलाइज करता है प्रेशर और टेम्परेचर को एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर ऑफ अ गिवन मास मास कॉन्स्टेंट है या मोल्स कॉन्स्टेंट है अमाउंट कॉन्स्टेंट है प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देशर लेकिन ये भी किस पे होना चाहिए कैरविन पे होना चाहिए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो जैसे अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो टू सेवेंटी थ्री वाला फैक्टर आता है उस केस में भी यही होता है तो डिग्री स्केल पर भी हमें वैसे ही मिलेगा पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट पी नॉट बाय टू सेवेंटी थ्री इन टू वे पी नॉट इज द प्रेशर एट जीरो डिग्री टी इज द टेम्परेचर पीटी इज द प्रेशर एट टेम्परेचर टी

लेकिन वॉल्यूम क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए द नेक्स्ट इज पी टीवल टू पी नॉट ये एलसीएम ले लिया तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस और कैल्विन का स्केल क्या होता है टी प्लस टू सेवेंटी थ्री टू कैपिटल टी वेयर टी इज इन कैलविन स्केल एंड स्मॉल इज द इन डिग्री स्केल तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये हमें पता है डिग्री सेवेंटी थ्री कॉन्स्टेंट है, है जिसकी वजह से प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा और इसको अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पी इज टू के टी पी बाई टीव के विच इज दो अलग अलग वॉल्यूम पे हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं पी वन इज इक्वल टू के टी वन पी टू इज इक्वलों को डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्मुला मिल जाएगा लेकिन ये किस पे है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो P y एक्सिस पे लिए टेम्परेचर x एक्सिस पे लिए ये आइसोकोर है मतलब वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है इस पे चार लाइन्स यहाँ पे बनाइए अलग अलग वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन आती है और सारी जो लाइन है वो जीरो ओरिजिन से पास होती है अकॉर्डिंग टू एवरगेड्रोस लॉ सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल gases कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग तीन चार एक लीटर के डब्बे ले लें और उसमें हम लोग अलग अलग गैसेस डाल दें तो उन सब के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसा ये एविकेटर लॉ बोलता है लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सबका सेम होना चाहिए सिंस टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है एंड इफ वी टेक अमाउंट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट और अगर मैंने अमाउंट ऑफ गैस भी कॉन्स्टेंट ले लिया है सब में एक एक ग्राम डाल दिया तो उस केस में क्या होगा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हमें पता है वन मोलो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री होता है सो इफ वी टेक वन मोल ऑफ डिफरेंट गैस अगर मैंने एक एक मोल सबकी गैस की ले ली तो मैटर उनके अंदर सेम हो गया अमाउंट सेम हो गई प्रेशर और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है तो क्या बचा वॉल्यूम अब सारा कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाती है constant हो जाती है सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वेर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और उतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा सो so मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल्स टू के एन वेर के इज सम कॉन्स्टेंट

रो के जिससे हमें पता चल रहा है कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी हैंस तो अगर कोई गैस है तो उसका जो वेपर डेंसिटी है या गैस डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर मास से सो नेक्स्ट इज हमें ये चीज पता है कि वेपर डेंसिटी हम लोग लेते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस

किस पे डिपेंड करता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का कितना मास है तो मास इज इक्वल्स टू एन इंटू मास मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास इंटू बहुत सारे मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल हैं सबका मास मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मास हो जाएगा तो इसका क्या हो गया मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस टू गैस अब मैं नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ले लेता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिया फॉर एक्जाम्पल एक मॉलिक्यूल ले लिया दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है

हम लोग लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज टू इंटू वेपर डेंसिटी तो ये फॉर्मुला हम लोग बहुत बार यूज करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टू कहाँ से आया तो ये टू क्या है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की वजह से मॉलिकुलर हाइड्रोजन पे एंड अप होते हैं और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं द नेक्स्ट इज वेपर डेंसिटी यहाँ पे था वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ ऑफ गैस डिवाइडेड मास हाइड्रोजन ये हमें पता है अब मोलर मास क्या होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ से सब्सिट्यूट करता हूँ मेरा क्या आ जाएगा टू इंटू मास ऑफ गैस डिवाइडेड में मास ऑफ हाइड्रोजन अब मैंने कंसिडर कर लिया कि एक एक लीटर दोनों गैस की ले लिया तो एक एक लीटर दोनों गैस का लूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं मास ऑफ वन लीटर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस So, ये experimental value है, हमें पता है, एक गैस तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मॉलिकुलर मास दस ट्वेंटी मास ट्वेंटी फोर लीटर अगर मैं कोई भी गैस ले लूँगा एस टी पी पे तो उसका जो मास आएगा वो कितना आएगा उसके के इक्वल आएगा और इसको समटाइम्स हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर पॉल्यूम ओके अब एस टी पी क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर मैंने प्रेशर वन ए टी एम लिया है स्टैंडर्ड प्रेशर को हम लोग वन ए टी एम या वन बार भी बोलते हैं और दोनों की वैल्यू अलग होती है तो इसलिए वॉल्यूम दोनों की अलग आ जाती है सो so, एस पे अगर मैंने टेम्परेचर लिया टू ये तो कॉन्सेंट आएगा लेकिन प्रेशर मैंने लिया वन ए तो वॉल्यूम कितनी आती है ट्वेंटी लीटर अगर मैं प्रेशर वन बार ले लूंगा तो सारा डिवीजन करने के बाद वैल्यू आती है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर और एस टी ए पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एम्बियन प्रेशर मतलब टेन्स रुपये फाइव पास कर पे बात कर रहे हैं अब हमें पता है वन बार

And if you are new viewer, then please consider subscribing. So this is Mohit Gupta signing off. Have a great day.